अंदर आने दो, अंदर आने दो। देखो भी मोरी ये होते हैं। चलो पहना वाला पहना। इधर देखो, इधर 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 एक मिनट हट जाओ। एक मिनट में मारे झड़ जाते हैं। फोटो खींच ले। फोटो और जब भी मिलती है मुझसे संस्कृत अवश्य बोलती है। मैं भी इसका ताऊ हूँ। मैं इनके पिता का फुफेरा भाई सबसे बड़ा, और इनके जो चाचा हैं पिताजी हैं उसका वो मिल पर बड़ा हूँ। मेरे नाना जी श्री बेनी माधव जी अवस्थित थे, और उनके दो ही बेटे और एक बेटी थी और एक बेटी। हमने देखा उनको दिया है ये, जिससे इसको पढ़े और इनकी बुद्धि की निर्मलता हमेशा हमेशा बनी रहे और ये शुभ कार्य करती रहे, अच्छे कार्य करती रहे, जिससे टीम का आगे बढ़े, जिससे इनको बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इतना समय दिया अपनी ओर से, और सब समाज की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको देता हूँ। ये हमारे भतीजे श्री प्रदीप कुमार जी त्रिवेदी ने अच्छा इसमें योगदान दिया और अपनी प्रसन्नता और अपनी बात अभिव्यक्ति दी, और ये आशीष त्रिवेदी जी भी जो यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे नाती हैं, इन्होंने भी इसमें सहभागिता निभा करके अपने सुख का अनुभव किया, धन्यता का अनुभव किया। ये बड़ी खुशी की बात है। बहुत अच्छे जो बुआ से और भतीजे से मुलाकात हो रही है, और हमारे बीच में आ गए श्री सारे महनोज साहब श्री गंगा नारायण जी की होती जो पहले यदि प्रवक्ता रहे हैं विज्ञान के, आज हम लोगों में समर्थन कर चुके हैं। और हमारी ये जागृति अवस्थी मेरी बेटी बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रही है, सभी से मिल करके जो अशोक राजन से मुलाकात नहीं हुई थी, और जो भी मिलता है गौरव का अनुभव करता है, जो कुछ भी मिलता है आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है इन सबों से मिल करके, और ऐसा भगवान समय दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के लिए, इन शब्दों में आपको मैं धन्यवाद दूँ। आप लोगों ने अच्छा समय दिया और प्रसन्नता के इस परिवेश में आप सब लोग उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। और पुनः आज नवरात्र है, फिर से एक आशीर्वाद देती आपसे देता हूँ। दुर्गा शक्ति सुनिए दुर्गे स्मता हरति धीतमसि जगन्तो स्वस्थै स्मता पतिमतेव शुभां ददासि दारिद्रदुःखभयहानिकात्वरन्यापकारकरणाय सदा प्रचित्ता आयुष्कर्ता क्षेमकर्ता कल्याणकर्ता भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे। ये बहुत सुंदर रहा, और इसी परिवेश में मैंने शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे परिवार में लगभग सभी लोग शिक्षित रहे और इन्होंने शिक्षा को ही सर्वप्रथम रखा है, शिक्षा को ही सबसे आगे रखा है, जिसके कारण आज जागृति जो है इस अंबर पर एक अपतक तरीके से चमक रही है। तो इसका कारण है पारिवारिक शिक्षा और माता पिता का सहयोग, और माता पिता का जो त्याग है बलिदान है उसकी तो तुलना किसी चीज से की ही नहीं जा सकती है, वो अपने आप में अतुलनीय है। जागृति ही आ गई तो चार में चांद लग गए और चार चांद लग गए। अब ये जो उत्सव चल रहा है इसमें और ही एक नई चीज आ गई और सबके अंदर उत्साह का वर्धन हो गया। मैं सभी की ओर से आए हुए आगंतुकों को, मेहमानों को,
अपनी जो हमारी दाइमे हैं महुए हैं उनको सभी को बहुत बहुत तुम कामनाएं बताएं और हमारे जो जागृति जी हैं उनके लिए शुभ मंगल में कामनाएं कि आगे चल करके ये समाज के लिए इसी प्रकार से प्रेरणा देते रहे और हमारी जो कन्याएं हैं हमारी जो बालिकाएं हैं हमारी जो बच्चियां हैं वो इनसे प्रेरणा ले कि वो भी समाज में आ करके और समाज के देश के लिए वो इस तरह तैयार हो कि अभी ताऊ जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों से सबसे बड़े सबसे छोटे हमारे लिए